हमारा अगला कदम है टावर इरेक्शन। अब हम वहां चलते हैं जहां टावर इरेक्शन किया जा रहा है। टावर इरेक्शन काम करने के दौरान हमें इन जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। कभी भी बारिश के वातावरण में काम नहीं करना चाहिए, जैसे रेनफॉल, कड़कती हुई बिजली, रात में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। टावर पर चढ़ने और उतरने पर हमेशा स्टेप बोर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। टावर मेंबर्स कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। चढ़ाई हुई लोड के नीचे कभी भी नहीं रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें इरेक्शन एरिया चारों तरफ घिरा हो। केवल एक्सपर्ट लोग ही ये अहम काम कर सकते हैं। सर, इसने दूसरे रंग का हेलमेट क्यों पहना है? वही गैंग लीडर हैं। उन्हें ग्रीन फ्लोरोसेंट हेलमेट और अलग किस्म का बेल्ट दिया गया है खास पहचान के लिए। हर गैंग में एक अनुभवी अधिकारी दिया गया है जो मजदूरों के साथ काम कर सके, और उन्हें गैंग लीडर कहा जाता है। गैंग लीडरों में कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे खास काम में माहिर होने की विशेषता, सुरक्षा का ध्यान, जिनमें इंजीनियर के बात समझने की और वर्कर्स को समझाने की काबिलियत होना चाहिए। शर्मा जी, क्या आप यहाँ आएंगे? शर्मा जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप गैंग लीडर की हैसियत से साइट पर क्या काम देखते हैं? जरूर सर, मैं यहाँ के दैनिक कारीगरी के अतिरिक्त हर दूसरे कारीगर के काम पर भी नजर रखता हूँ। सुरक्षा चेतावनी से उन्हें परिचित रखकर हर कार्य में सचेत रहने में मदद करता हूँ। सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर के बारे में भी बताता हूँ। साइट इंजीनियर द्वारा दिए गए सेफ्टी रूल्स के बारे में भी उन्हें बताता हूँ, और एचएसई ऑफिसर से दिए गए सुझाव को भी इन्हें समझाता हूँ। शर्मा जी, अब आप इन्हें समझाइए किस तरह फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल की जाती है और टावर पर चढ़ने का सही तरीका क्या है। सर, हमें हमेशा फुल बॉडी हार्नेस डबल लेनियर्ड के साथ पहनना चाहिए। और ये भी समझाता हूँ, लेनियर्ड की एक हिस्सा हमेशा टावर के साथ जोड़ना चाहिए, चढ़ने के वक्त या उतरने के वक्त। वेस्ट बेल्ट में लगी हुई बैग में टूल्स बराबर रहना चाहिए। चढ़ाई के समय हाथ पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा चेन ट्रैप के साथ हेलमेट पहनना चाहिए। कीचड़ वाले जूते पहनकर ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, इसके वजह से आप नीचे फिसल सकते हैं। वर्कर्स को समझाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। अब हम देखेंगे इरेक्शन शुरू होने से पहले प्रिपेरेटरी वर्क कैसे होता है। सभी सामानों को पहले अलग अलग करके रखें, शेड्यूल के हिसाब से ऊपर से नीचे तक, क्रॉस आर्म इत्यादि। नट और बोल्ट को उनके साइज के हिसाब से अलग रखिए। हर वस्तुओं की गैल्वनाइज सरफेस कंडीशंस को अलग अलग से निरीक्षण कीजिए। अगर कोई टूट फूट नजर आए तो उस सरफेस को वायर ब्रश से क्लीन करके वहां पर जिंक रिच पेंट लगाएं। इरेक्शन एक्टिविटी के दौरान हम तरह तरह के टूल्स और टैकल का इस्तेमाल करते हैं। हम सही काम के लिए सही टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरर से टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी से भी, इंस्पेक्शन एजेंसी जैसे ऑल लोड बियरिंग कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज जैसे कि रोप्स, क्लैंप, बोल्ट्स, सेल्फी स्प्रिंग्स और लिंक्स। इसके अलावा साइट पर भी लोड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सही भार मात्रा वाली डी शेकल यूज करना जरूरी है, क्योंकि यही भार के लिए उचित है। सही साइज और संख्या पर ध्यान देना चाहिए। बोल्डर क्लैंप जॉइंट आइज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इरेक्शन का काम शुरू करने से पहले यह निश्चित कर ले नींव बराबर है कि नहीं। यह भी तय कर ले डेरिक्स और लोड बेयरिंग टूल्स जैसे कि वायर रोप, पीपी रोप, डी शेकल्स, पुलिस इत्यादि का निरीक्षण किया जा चुका है। समय समय पर ग्रीसिंग होनी चाहिए। पुली के बोल्ट का कसाव बराबर होना चाहिए। ये सारे चीजें अगर साइट इंजीनियर द्वारा चेक्ड और अप्रूव्ड हो चुकी है तब काम शुरू करें। ट्रांसमिशन लाइन टावर इरेक्शन के कई मेथड्स हैं, जैसे बिल्डअप मेथड या पीस मिल मेथड, सेक्शन मेथड, ग्राउंड असेंबली मेथड। टावर का इरेक्शन एक के बाद एक सेक्शन में होना चाहिए। जहाँ पे सेक्शन ले जाने का रास्ता हो वहाँ क्रेन के जरिए टावर को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर इरेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ज्यादातर काम में आने वाला
इरेक्शन करने का तरीका, वो है बिल्ट अप मेथड। जैसे कि पहला कदम, टावर के एक पाव के मुख्य मेंबर को नीचे जाकर स्टब से कनेक्ट करना चाहिए, बाकी दूसरे मेंबर को दूसरी ओर सपोर्ट के लिए इस तरह खड़ा रहना चाहिए। मेन लेग के आखिरी छोर को गाय रोप से कनेक्ट करके सपोर्ट देना चाहिए जब इसका इरेक्शन हो जाए। एक पुली को स्टैंड एंड से कनेक्ट करके दूसरी पुली आखिरी एंड पे होनी चाहिए। इरेक्शन के दौरान एक ही सिग्नलमैन सिग्नल देंगे। टॉप सिग्नल मानना जरूरी है, बेशक वो किसी ने भी दिया हो। तब लिफ्टिंग रोप आदमियों के द्वारा खींची जाएगी या फिर किसी प्राइम मूवर के द्वारा, ये उसके वजन पर तय करना है। जब एक बार डेरिक जमीन के सतह से ऊपर उठ जाएगी, तब डेरिक के मेन रोप को फंसाकर और वो रोप जो डेरिक की अंतिम छोर पर जोड़ी है उसे खींचेंगे, तब तक जब तक वो सही स्थिति पे ना आ जाए। बाकी लेग मेंबर को पहले लेग मेंबर की सहारे से इरेक्ट करना है। मेन लेग मेंबर के इरेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल स्टार्ट्स और क्रॉस मेंबर्स को इरेक्ट करना है। उसी तरह टावर इरेक्शन का पहला सेक्शन पूरा हो गया। फर्स्ट सेक्शन ऑफ टावर्स इरेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल स्टार्ट्स को उनके पोजीशन में बोल्ट करना है। टावर के सेकंड सेक्शन को जोड़ने के लिए दो डायरेक्ट पोल्स को एक दूसरे के आमने सामने डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर लेग पर रखना है। ये दोनों पोल्स सेकंड सेक्शन की पार्ट्स को ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं सेक्शन के आधार पर बाकी सब जोड़े जाते हैं। डायरेक्ट पोल्स को तब कॉर्नर लेग्स पर शिफ्ट किए जाएंगे, वो सेकंड सेक्शन के टॉप पर, ताकि थर्ड सेक्शन में काम करने के लिए पार्ट्स आसानी से ऊपर ले जा सके। डायरेक्ट पोल इस तरह बढ़ता जाता है जिस तरह टावर बढ़ता है। ये प्रोसेस टावर इरेक्शन के कंप्लीट होने तक चलता रहता है। क्रॉस आर्म मेंबर्स को जमीन पर ही असेंबल करते हैं और उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाकर टावर की चोटी पर फिक्स करते हैं। रस्सियों को टाइट करते समय सॉफ्टनर यानी गनी बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, स्लिंग और टावर मेंबर भी। ध्यान रहे, एक बार एक ही लेग मेंबर इरेक्ट होना चाहिए। एक डेरिक के लिए कम से कम तीन गाय रोप इस्तेमाल होना चाहिए। निश्चित करना होगा टावर इरेक्शन करने के दौरान गाय रोप एक मजबूत एंकरिंग पॉइंट में लगी हो। ध्यान रहे, एक ही एंकरिंग पॉइंट सिर्फ एक ही गाय रोप को सपोर्ट करें। ध्यान रहे, गाय रोप की एंकर पॉइंट की दूरी हॉरिजॉन्टली ऊंचाई की बराबर दूरी पर होना चाहिए। निश्चित करें उठाई गई मेन लेग मेंबर की नट बोल्ट्स बराबर टाइट है कि नहीं। टावर इरेक्शन होने के बाद स्टेप बोल्ट्स को कसने की कोशिश मत कीजिए। बराबर करने या कसने के दौरान हमेशा 450 mm टॉमी बार छेद को बराबर करने के लिए इस्तेमाल करें। हर नट एंड बोल्ट्स के लिए स्प्रिंग वॉशर इस्तेमाल करें। सही साइज का बोल्ट ड्राइंग के मुताबिक इस्तेमाल करें। हर नट का आखिरी छोर टावर के बाहर की तरफ होना चाहिए। बोल्ट को सही ढंग से कसने के लिए लंबे खंबे के लिए आड़ा और सीधे खंबे के लिए बेड़ी दिशा प्रयोग करें। नट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ कसें। ध्यान रहे, नट को पूरी तरह कसने के बाद बोल्ट की कम से कम तीन चुड़िया बाहर रहें, जहां एंटी थ्रेड बोल्ट यूज नहीं किया जाता है। डायमेट्रिकली बोल्ट के खिलाफ दो या तीन जगह पर पंच कीजिए। बोल्ट के खिलाफ दो या तीन जगह पर डायमेट्रिकली वेल्डिंग का टाका लगा दीजिए। वेल्डिंग की हुई जगह को साफ करके उस पर जिंक रिच पेंट लगा दीजिए। हमारा अगला कदम
स्ट्रिंगिंग। चलिए उस जगह पर चलते हैं जहां स्ट्रिंगिंग की जा रही है।